हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ बथुए के पराठे की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करिएगा। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं बथुए के पराठे को बनाना। बथुए का पराठा बनाने के लिए मैंने ये 1/2 kg बथुआ ले रखा है। बथुए को मैंने अच्छे से साफ करके इसको 4 से 5 बार साफ पानी से धुल लिया है। फिर हमें चाहिए इसमें, मैं डालूंगी इसमें अदरक और लहसुन की कुछ कलियां हैं, और हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। मैं इसमें 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखिएगा, जैसा तीखा आप खाना पसंद करते हो। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ये हरी धनिया की पत्ती। हम इसको रख देंगे बॉयल होने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी में इसमें बहुत थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि ये हमारी हरी सब्जी है, हरा बथुआ है, तो ये पानी खुद ही छोड़ेगा। अब हम ढक्कन को बंद करके इसको गैस पे चढ़ा देंगे 1 सीटी आने तक बॉयल होने के लिए। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। बथुआ हमारा देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, मैंने इसको 1 सीटी आने तक बॉयल किया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में निकाल कर इसको मैं पीस लूंगी बारीक महीन। इसको हम इस मिक्सी जार में निकाल लेंगे इस तरह से। इसको पानी को हम छान लेंगे, पानी को हम अलग रखेंगे और बथुए को अलग। बथुए को मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए इसका बहुत अच्छा कलर भी आया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है लहसुन अदरक और धनिया की। अब हम इसको आटे में डालकर गूंथ लेते हैं। ये मैंने 500 ग्राम के लगभग आटा ले रखा है, ये गेहूं का आटा है। अब हम डालेंगे इसमें ये हमने जो पेस्ट तैयार कर रखा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। बथुए को मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसा नमक खाना पसंद करते हो कम ज़्यादा। और डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अब हम आटे को गूंथ लेते हैं। आटे को हम इस तरह से लेते हुए गूंथेंगे। इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे अभी, पहले हम इसको बथुए से कवर करेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत होगी एक्स्ट्रा तब हम लेंगे। आटे को मैंने बथुए से कवर कर लिया है। अब हमें इसमें और पानी की जरूरत है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये मैंने आटे में पानी को और डाल दिया है, इसको हम गूंथ लेते हैं इस तरह से। अगर हमें और पानी की जरूरत होगी तो हम और पानी इसमें लेंगे। आटे को मैंने बहुत अच्छे से गूंथ लिया है चिकना। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूंगी रेस्ट करने के लिए। 15 मिनट हो चुका है और हमारा आटा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक लोई लेंगे इस तरह से। अब हम इसको रोटी की तरह इस तरह से, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे इस तरह से। ये हमने सारी लोई काट ली है। अब हम इसके हम रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। इसको हम गोल करेंगे हाथों पे रखे हथेली पे बीच में। इसको हम हथेली की सहायता से इस तरह से दबा देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा परथन इस तरह से। अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे इस तरह से। आप इसको चाहे तो किसी भी शेप में बेल सकते हैं। आप चाहे इसको तिकोने पराठे की तरह भी बना सकते हैं। मैं इसको रोटी के शेप में बनाऊंगी। इसी तरह से हम अपने बाकी के पराठे भी बेल लेंगे रोटी की शेप में। ये हमने सारे पराठे बेल लिए हैं। अब हम इसको सेकने की तैयारी करते हैं। चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। तवे को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें पराठे को। तवे पर पराठे को डाल दे रहे हैं इस तरह से।
अभी इसको एक साइड से हम कुक होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसको पलटकर इस पे घी को लगाएंगे। पराठा हमारा हो चुका है, अब हम इसको तोए पर से हटा लेते हैं, बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। ये हमने अपने सारे पराठे सेक लिए हैं सेम प्रोसेस से। ये हमने अपने सारे पराठे बना लिए हैं बथुए के, बहुत ही टेस्टी पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।